अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हो? हमने नाना कॉली रूमी रोजा नहीं रखा तूने? हाँ रोजा नहीं रखा। वाह वाह, खाएगी हमारे सामने तो खाना खाएगी। रूमा का मोम आ गया। मामी मोम 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 चालू हो गया इसका अभी। खाना देखते हैं अभी। मामी मामी रूमा का मोम ला का गया। ओला सर क्या बना लीजिए? इसको काट दो, इसको छील दो, इसको मैश कर दो। ये गोल वाला हो जाएगा। तो करना तो पड़ेगा। तो कहाँ बैठ के करूँ बनिया? चल मैं यहाँ पे। नहीं वहाँ पे मत करो, वहाँ पे मेरे को काम है। तो वहाँ पे कर ले, इतनी सब दिख गया है तो वहाँ पे। वहाँ तक मैं इसको ऐसा कर लेती हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं पैटी, वो भी आलू। पैटी बोटी क्या क्या बोल रहे थे यार तू? ये पैटी आलू चिकन पैटी। मुस्कान की सुबह बहुत मजा। मुस्कान सुबह में नमाज पढ़ के मेरे को बोलती है रहमान मेरे को बहुत रोजा लगा है। मैंने कहा अभी तो तूने रखा रख दिया। हाँ मेरे को अभी से रख दिया। मुस्कान रोजा कैसा है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कुछ जो अभी पहले पहले रोजे तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन बीच में पता चलेगा जब। अभी पहले तो मुस्कान बहुत शौक से रखी क्योंकि मुस्कान ने बोला था कि मैं रोजा रखूंगी तो आप लोग मेरे को ना वो बग्घी के ऊपर बिठाना, मतलब वो घोड़ा गाड़ी के बिठाना। तो उसका क्या विचार है, घोड़ा गाड़ी मंगाओ आज? तुमने लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था, तुमने नहीं बिठाया। लास्ट टाइम रोजे रखे थे? हाँ रखा था। एक दो उसका ने बहुत भूख की मार दी है रोजे में। हाँ तो मैं बच्चा पेट में था ना, मैं कैसे रखती? उससे पहले कब रखते थे? उससे पहले होते थे एटलीस्ट 10 तो। 10 सब रोजे रखने की मुस्कान तो ईद करने की मुझे इज्जत नहीं करने की दे रहे। तुम ईद ही नहीं देते? ईद की सब तो ईद ही नहीं दे रहे। मेरे को है ना ईद ही मिलती है ना तो मजा आती है। तो पहले रोजे रखी तो ईद ही मिलेगी ना? पहले एडवांस में ईद ही कौन देता है? एडवांस दे तो कितनी मजा आवे। तो गाइस आज अभी हम लोग बाहर, अभी नमाज का टाइम हो जाएगा। पहले मैं अभी जोहर की नमाज तो हम लोग पढ़ के आए ऊपर, और बसर का टाइम होना है। वैसे भी टाइम तो मतलब बहुत फास्ट जाता है शाम का टाइम, और पता भी नहीं चला आज पूरा दिन कैसे ऐसे निकल गया। सुबह नमाज वमाज पढ़ के मस्त सोए थे हम लोग अच्छे से, कभी जोहर में सिर्फ हम लोग क्या लिए तो रोजे का कुछ पता ही नहीं चला। और वैसे भी रोजी टाइम तो हम लोग उठते हैं तो आदत से हुए, बस अभी चाय पीने का भी मन नहीं होता जरा भी। रोजे के बाद सबसे मेन मतलब इतनी गंदी चाय की तरफ लगती है ना, इतनी गंदी। अल्लाह माफ करे, एक बात करनी चाहिए रोजे में, पर बहुत मजा आता है मेरे को उसके बाद चाय, खास करके जब रमजान। ये बार भी रमजान में शायद हम कुछ सोच रहे थे यस बुरा बनने जाने का, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा जरूर, और जाएंगे तो वहां पे भी हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे। हमारा सबका एक का नाम चन्नू है, एक का नाम तांसन है। तांसन ये समा गई वैसे ही जो तांसन वो सूरत में मिलती है कि दूसरी जगह मिलती है? सूरत में, सूरत बाप दुबई में भी मिलती है तांसन। हां तो ले अभी मालूम है ये आलू तो देख अंबुजा सीमेंट से बनेगा, टूटता भी नहीं है तो गला नहीं आएगा। तो इसका क्या करने का? मैं तो जमान हटू आलू से खेलने की बात है, पानी पूरी वाला ऐसे ही खेलते थे। चला ओ यहाँ यहाँ डालते यूं करके ना, फिर वो हाथ अंदर डाल देते फिर मुस्कान इधर छोड़ गया ऐसा मम 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 करके जाके डालते। मैं नहीं खाती इतनी गोल गप्पे। अब हमने ये जो थी इसके रेशे निकाल लिए, और ये जो है अब इसके अंदर लिए डाल दूंगी। ओ खाता उड़ लगे के दूर जाओ। तो इसका क्या करूँ, ये आलू कच्चा रह गया तो जो चिपक गया।
तेल डाल, तेल डालो। मैं क्या कुछ बना था, आता नहीं है इसको यार। कौन से डाइट पे? और रूमी, रूमी का भी रोजा है। रूमी का खाता पीता रोजा है। कह रहे के रूमी फ्रिज पे। रूमी रोजा का रखता है फ्रिज पे। फ्रिज में रख दिया। हाय तेरी की। इसमें अब रूमी को भी शाम को हमने पानी पानी पीना के मस्त अच्छे से रोजा खुलने बिठाइए। रूमी का पिल्ला है रोजा। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर डालेंगे हम केचप। क्या डालेंगे? केचप। ये रहा केचप, डाल लो। हाँ डाल लो। और कितना डालो? बोल जल्दी बोल। नहीं यार इसमें से तो गिरता नहीं है। बोल बस। नहीं डालो अपनी चिकन डालो बस। और ब्लैक सॉल्ट। फिर वो दूसरा सॉस आता है ना, चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस नहीं, वो नहीं डालने का। क्यों नहीं डालने का? क्यों? ये एकदम अच्छी नॉर्मल वो है रेसिपी। तो इसलिए तो फिर उन्हें भी खा पाए। बिनी केचप गैस तो बंद हो गया। मैंने किया चिटक रहा है तो चिटक चिपक रहा। ये जो आलू है इसमें हम डालेंगे ब्लैक। तो एक आलू को तो पीसो। ब्लैक पेपर, टेंशन अनाउंट सॉल्ट। अच्छा नमक कैसे डालने का? ऐसा वो टाइले ऐसा और रेडी होने के बाद आपको चाहिए बस भाई चिल्ला जो सकता है। पहले ये लेनी है इसके अंदर थोड़ा सा चिकन डाला। फिर वो चिकन डालने के बाद इसके अंदर डाला ये हम लोग ने चीज। भरपूर चीज डालना तो क्या ज़्यादा मजा आए खाने में। अभी एक मुसीबत का काम है इसको, इसको एक जन को पकड़ना पड़ेगा। एक अच्छा करना। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर में ऐसे करेंगे और फिर उसके करेंगे अंडे में डिप। और अंडे में डिप करने के बाद इसको हम रवे में डिप करेंगे और फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। टाइम पे लेंगे ना भाई। तो गोला बना तो पैटी किसको बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं पैटी। कटलेट पैटी तो कटलेट अलग। कटलेट से लो शुरू हो। नीचे से लाओ तो प्लेट या एकदम को ऐसे को ऐसे करो ऐसा। भाई इसका असल सेप ही है कचोरी। असल सेप ही इसका ये वही वो कटलेट हो गए। ठीक है तो उसका भरा उधर इधर तेरा लगेगा कि कुछ खाया। ये ऐसा लगेगा कि कुछ चोरी चोरी करके खाया। जा निकालो नीचे चोरी। चलो इसको कहीं पे रखो? वही मैं बोलूँ प्लेट। अच्छा चलो इधर रखो इसको। लेट्स सी कि इतने से आलू में और कितना बनेगा। और अगर आलू नहीं हो रहा है तो फिर हमको और आलू बाफने पड़ेंगे। जो तो आलू बाफने की तैयारी करो भी मैं कर लेती हूँ। इजी काम कर लेती हूँ मैं है ना। ये ऑटो का काम लेट और दो बार भी जेंसी बेचते तो बाहर होटल में खाने आते ना और भी जेंसी बना दे। लेकिन सीखता किसने सब? छोकरा ऐसा खाना अच्छा कोई बना भी सकता है। हमको अंदर वैसे चीज़ डालनी है लेकिन हमें इतना बोल रहे हैं कि हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालें क्योंकि
पहले बकरे चिल्ला रहे ऊपर। हाँ मेरे पास बकरे भी है। तुम्हारे कोई बुला रहे लोग पर शायद। देखिए रेडी। कैसा कंप्लीट सेव हुआ ना एकदम। रेमन तुम बहुत मोटा कर रहे हो। इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तो फिर इतना जा रहा तो भी किस तरह चलाएगा। ना डायरेक्ट इसको अंदर की डालता सीधा तवे में उतार दे। अरे मैंने एक को पता है ये इतना ज्यादा ही बनता है मुका मैंने। तो इसको डुबाएंगे तो अंदर से शायद तलाएगा भी भाई सही से। पैसा तवे पे फिराएंगे तो नहीं तलाएगा ना अंदर से। वैसे तो ये सब एक ही चीज कुकड है। जैसे आलू ले लो तो आलू भी कुकड है, चिकन भी कुकड है, तो सिर्फ इसको ब्राउनिंग करना है। तो फिर भी थोड़ा हां ऐसे ये ऐसे छोटे छोटे हां ऐसा बहुत बड़ा कर दिया। इससे पहले वाला भी मेरा छोटा था। ये दो मेरे। अच्छा मैं वही बोलूं आलू कहां गए तो यही दो में चले गए सारे आलू। ले हाथ फसा गए मेरे। ये बहुत गरम गरम आलू है। ऊपर से हिसाब से उंगलियां सुन मार गई मेरी। अब एक का आलू बाकी बाकी पीसने का है अपना। ये तो मम्मी बोलो नहीं मेरा हाथ अच्छे मैंने लाल कर डाले। बोलो यार मम्मी कब से बोलते नहीं है। ये मेरे को पानी पूरी वाले की तरह पिसवा रही है। इंशाल्लाह आलू पीसने का हसरे ले आए। देखो इनको खबर थी कि आलू पीसने का है। देखो भाई हसरे ले। देखो 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 पाव भाजी का बोल रहा है तो सही ना। देखो इधर देख है ना अक्का पाव भाजी वाला उतारो वेली थी मेरे को टाइले मत काम धंधा करने दे उसका। तो बहुत जोरदार चीज दिख रही है। अच्छी चाहिए मुझे से शेर को डरा के दिखाई। ये शेर यहाँ से खाना साफ करने गया सुखिया अपने। बता आस पास के गाँव में बच्चे रोते तो यूं कहते रहमान आ जाएगा सो जा समझी। बाहर हो जाएगी सीधी। लींबू का शरबत भी बन गया। सब कुछ बन गया। फांस फांस एकदम काम। दो चार प्याज बटाटे के भजिए भी बन मम्मी। प्याज के भजिए खाइए तुम। ले कितना अच्छे के हुआ तुमको। चिकन भजी चिकन भजी ला जल्दी ला। इसमें से नमक के सब डालने का लाने फटाफट यार। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मुस्कान तू तो यार। कोको नहीं डालने का यार। अक्का भाड़ डाला इसने। हमारा एक घुघरा है वो है मुस्कान। ये बच्चे तो डाल दे रहा है। बॉस डाल 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 डील खोल के डाल मुस्कान।
खास उड़ी। बहुत डेंजर उड़ी। ये पूरी पानी पूरी। ये 100% तूने पानी पूरी का मसाला बनाया। ये भी इसके पूरी में भरो और इसको पानी में डुबा के खाओ। वो डाले चीज़ नमक मेरा ये चिली फ्लेक्स डालने पूरा और मेरा नमक ना जाना है चिली फ्लेक्स डाला। और एक आना चिली फ्लेक्स डाला तो चाट मसाला क्यों डाला नहीं इसको कौन समझा कुछ अकल नहीं है इसको ना आता नहीं है बनाता है मेरी ऐसी कॉफी करा कर मुझसे पूछ रहा सास बहू का प्यार सास भी कभी बहुत ही मेरा वो बेटा है क्या पोतरा मुस्कान सास बनेगी है ना मुस्कान ये भी मुस्कान के ये पानी ला सास नहीं क्या बहू उसका तो इस तरह ऑर्डर करेगी क्या मुस्कान मेरी सास ने तो मेरे को ऑर्डर नहीं करा मैं क्यों करूंगी है ना मुस्कान जी तो भी इतनी अच्छी सांस मिली इसे कर्म पहले करवाएंगे तो मुझे चल ला जल्दी चल फटाफट क्या करने का है इसका लाल कोको कोको बनाओ को लाइट 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 एकदम मम्मी पतला पानी है सा ब्यूटीफुल इंग्लिश क्या करेगी रूमी के लिए खाने का क्या है मम्मी इसकी छोटी कटलेस कर रही नहीं नहीं ये है ना इसकी छोटी ये खाएगी रूमी रूमी भी इसके दादा साथ जाएगी बाहर उमा बेटा जा चश्मा हम लोग ने केक बनाया उसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करा था हाँ तो कॉर्नफ्लावर आइयो रूमी रूमी आइयो क्या खेला करते फटाफट बनाओ दूसरा बहुत सब काम है जो ये रहा मेरे पीछे वो भी निकल चन्नू लाने का ऐसा जा रहा दूसरा भी नौवा पड़ जाए वहाँ ऐसा जा रहा दो जारे में निकालने में एक जारे दो जारे से हमने अभी से कर लेंगे तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा अपना वो वाव परपोटी थोड़ा धीरे कर दे तो बस धीरे धीरे बताएंगे बहुत सब चीज चल रही है ना तो टाइम तो लगेगा मैं अभी मेरे कबूतर खोलने जाऊंगा फिर लोग को थोड़ा खाना वाना डालता हूँ फ्रूट लेने कौन सा है फ्रूट लेने क्या लाना है खाली तरबूज लाना है ना तो पापा पकड़ता है पापा को एवेंजर्स की जाने दे देने मैं जाऊँ लेने अभी सब कोई खाएगा नहीं खाली तरबूज लेकर आते तरबूज खाओ था अपना और कोई चीज नहीं नहीं तरबूज तो चिंता दे रोटी का चिंता ये नहीं यार चिंता दे तबियत था जो कहते ना काला बाय जा रहा जा रहा हाला ये लकड़े का दे दे तो वो छोटा नहीं हो जाएगा ये लेके फिर ला देंगे ये चॉकलेट भी मम्मी निकाल लिए बात हाँ तो कोको तो बहुत टाइम लगेगा ठंडा होने में भी कोको खबर नहीं है
उगानी उगानी पहन के रेडी हो गई, अब हम दोनों जाएंगे बाहर राउंड मारने। अल्लाह हाफिज़। दोनों बाप बेटी फिरने जाते, रुक जाइए, अल्लाह हाफिज़ करेगी। अल्लाह हाफिज़ रूमी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज कर दो, रामदेर का राउंड मार के आते हैं। रामदेर में बहुत अच्छा लगता है, रमजान में बाहर बाजार भी भरा था, आप लोग यूट्यूब करके भी देख सकते हो, रामदेर बहुत फेमस है रमजान में। नुकसान हो गया, गिरा। ओ नो, गिरा हुआ था। ये क्या है, पेटी क्या गिर गया, गिर गया नीचे। क्या करा तुमने, ये रवा है, मैदा है, कौन फ्लोर है? अंडी मैदा है, नहीं मैदा अलग आता है। और ये अंडे है, और इसको पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, फिर इसमें, और फिर कहीं ना चलो नहीं रवे में, रवे में, और फिर तो स्टे ट्यून, वेट फॉर द प्रोसेस। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने निकाल दिया वो गर्मी। रमन क्या कर रहे हैं? ये तरबूज काट रहे हैं। वैसे हम लोग का हर रमजान में रहमान ही फ्रूट काटते हैं। तो हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, लाइक वी शेयर द दस्तखान। सो फाइनली दस्तखान इज रेडी एंड वी आर वेटिंग फॉर अजान। और हमने जो बनाए थे वो बोरे पैटीज, इसको पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। रूमी अजान की तरह देखने की थी बेटा। हाँ अजान पहले तूने तो धीरे करी हो, मैं थोड़ा आ गया वाले, थोड़ा मैंने मारा उसको। ऐसा कौन खाता है, चले जल्दी जल्दी। सो गाइस फाइनली आज का दिन यहीं खत्म होता है। इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे, और रोजे के साथ तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है रूमी को संभालना। रूमी भी अभी जस्ट सोई है, और मैंने भी नमाज पढ़ी ईशा की, एंड रहमान भी गए दरा भी पढ़ने। सो गाइस कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ और एक और नई रेसिपी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन प्रेस करो गाइस ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप लोग देख पाओ, क्योंकि रमज़ान में कहीं ना कहीं लोग बिजी होते, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको याद तो आ ही जाएगा। तो फिर जल्दी जल्दी जाओ और बेल आइकन को प्रेस करो, एंड लव यू, रमज़ान मुबारक।